ये था काम लेकर आया, और इनके पास कोई काम ही नहीं, ये रोजाना मंदिर और मस्जिद गए आज मोदी जी फिर बनारस कॉरिडोर की ओपनिंग कर रहे हैं। मोदी जी मुझे सलाह है आपको, आप एक मंदिर बनाकर पुजारी बन जाए, छोड़ दीजिए ये काम, आपसे नहीं होगा ये काम, बैठिए ये ढोंगी काम बंद कीजिए आप, जनता भूख मर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र सपा प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने मंगलवार को गौरा विधानसभा के राघो बस्ती में आयोजित परिवर्तन यात्रा में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी जातियों और वर्गों के लिए काम करती है, इसलिए उनकी पार्टी सभी लोगों के बीच जा रही है। पप्पू यादव जी, डॉक्टर एहसान साहब, हमारे चचा पूर्व विधायक उतरौला महमूद साहब, चेयरमैन साहब, और यहाँ उपस्थित मंच पे हमारे गणमान्य लोग, हमारी जनता जनार्दन, सगे भाई के समान नौजवान भाइयों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लतीफ मलिक साहब, आइए जानते हैं इनसे कि आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, इसका क्या मकसद था, परिवर्तन यात्रा का क्या मतलब है, अबू आसिम आजमी के आने से क्या बनेगा समीकरण, आइए सीधा इनसे जानते हैं। ये लतीफ जी, सबसे पहले तो ये बताएं जो ये परिवर्तन यात्रा है, इसका मकसद क्या है? परिवर्तन यात्रा मकसद ये है कि लोगों को बदलाव चाहिए और सभी समाज एक साथ होके बीजेपी को हटा के समाजवादी की सरकार बनाने में कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी की सरकार बने और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज जैसे वो प्रोग्राम सक्सेसफुली जा रहा है आपका, अब आसिम आजमी बस आने ही वाले हैं, और इनके आने से क्या लगता है आपको कि यहाँ समीकरण अच्छा बन पाएगा? जी, इससे बहुत अच्छा समीकरण बनेगा और लोगों को जोड़ने का काम जो अबू आसिम आजमी साहब कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुंबई से आके, मुंबई के अध्यक्ष हैं वो, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, यहाँ आके जो है लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे बहुत काफ़ी फर्क पड़ेगा समाजवादी के। आज दिख रहा है कि आपके साथ हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के आपके साथ आ रहे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि इस बार गौरा विधानसभा का इलेक्शन, अगर टिकट आपको मिलता है तो इलेक्शन जीत पाना संभव है? जी, 100% चुनाव जीता जा सकता है। अबू आसिम आजमी ने यह भी कहा कि भाजपा झूठे वादे कर प्रलोभन देती है, अब जनता झूठे वादों में नहीं फंसेगी। किसानों का आंदोलन रंग लाया है, किसानों की जीत हुई है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि भाजपा अब दोबारा नहीं आएगी। 2022 में यूपी में अखिलेश सरकार पूर्ण बहुमत में आने वाली है और हमारी पार्टी सभी को एक साथ लेकर चल रही है। भाजपा सरकार में आम आदमी परेशान है, महंगाई और अपराध चरम पर है, जो भी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करता है सरकार उसे जेल भेज देती है। मुझे लगता है कि किसी एक बहुत बड़े राइटर ने लिखा था कि जो भी सरकारें धर्म को सरकार के बीच में लाती हैं वो सरकारें नाकारा होती हैं, जो सरकारें जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, वही सरकारें अच्छी सरकार मानी जाती है। तो ये लोग जो है ना, इनको मुंह में एक खून लग गया है कि इन लोगों ने शुरू किया बाबरी मस्जिद का और मंदिर के नाम से, और सत्ता में आए तो इनको लगता है कि यही काम करो सत्ता में आए, किसी को कोई रोजी देने की, रोटी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भ्रष्टाचार ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, देश का जीडीपी बर्बाद कर दो, लेकिन सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान को लड़ा दो, सत्ता में आ जाओ। मुझे लगता है अब जनता यहाँ की ऊब चुकी है इन चीज़ों से, अब इनकी ये बात चलने वाली नहीं है। क्या मानते हैं कि बीजेपी क्या मानती है कि विकास से नहीं मंदिर और धर्म से चुनाव जीता जाएगा? नहीं, यही तो हुआ, ये तो किया है लोगों ने, ये किया था लोगों ने, एक बार तो लोग बेवकूफ़ बन गए, लेकिन अब लोग जो इस देश के लोग अब जो है ना इनकी चाल में आएंगे नहीं, ये वादा करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये जुमला है,